भारत माता की जय। पूरे नगर में लेऑफ को लेकर ग्रेसिम इंडस्ट्रीज का एक जो मामला है बड़े चर्चाओं में है, और आदरणीय हमारे पूर्व विधायक दिलीप शेखावत जी ने लगभग आप मीडिया के मित्रों के समक्ष संपूर्ण विवरण के साथ में उस लेऑफ के विषय को रखा भी है। मैं भी ये मानता हूँ कि नागदा शहर औद्योगिक शहर है और उद्योग का चलना आवश्यक इसलिए कि इस पूरे शहर में उद्योग की अपनी एक भूमिका है, पर उद्योग यदि मनमानी तरीके से अपने कार्यप्रणाली में नीति निर्धारण में कहीं ना कहीं गड़बड़ करता है तो उसमें हम सबको भी एकजुटता के साथ में आगे आना चाहिए और मजदूर हितों में बात करना चाहिए। लेऑफ वाला जो विषय है, मैं आदरणीय दिलीप शेखावत जी को सुन रहा था, प्रोडक्टिविटी कम को लेकर इन्होंने इस लेऑफ को लगाया और कई बहाने भी इन्होंने बताए, जैसे कि यूक्रेन युद्ध के कारण रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है, एक्सेस में प्रोडक्शन हुआ पड़ा है, और ये जानकारी सब दूर है लगभग कि इनके जो कई और भी प्लांट्स हैं जो चल रहे हैं। और ये भी सही है कि ट्रेड यूनियन के नेताओं से मैं स्वयं भी आग्रह करूंगा, और मैं तो भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर हम ट्रेड यूनियन के नेताओं से भी मिलेंगे, प्रशासनिक अधिकारियों से भी मिलेंगे, और मजदूर हितों में भारतीय जनता पार्टी तत्परता के साथ में खड़ी है, और भारतीय जनता पार्टी के संपूर्ण नेतागण भी इस बात के लिए भी कटिबद्ध है कि ये जो लेऑफ का मुद्दा चल रहा है इसमें हम लोग भी पहल करेंगे। और मैंने कई बार मीडिया के मित्रों के माध्यम से आग्रह भी किया है, कांग्रेस के नेताओं से भी आग्रह किया है कि कई बार वो कहते हैं हमको कि हमको एकजुटता दिखानी चाहिए। हमने तो ये भी कहा है कि हम आपके साथ तैयार हैं आमरण अनशन तक के लिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते ये भी कहता हूँ सब वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में कि अगर आप बैठेंगे तो आपके साथ डटकर मैं भी बैठूंगा उतनी देर जितनी देर आप बैठेंगे। हम मजदूर हितों के लिए तत्पर हैं और तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय भारत।